मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम की बैठक में राजधानी में दो स्थानों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब भोपाल की दो जगहों के नाम बदले जाएंगे। हलालपुर बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी रखा जाएगा, वहीं लाल घाटी का नाम श्री नारायण दास जी महाराज रखा जाएगा। बैठक में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसकी मांग की थी। उन्होंने कहा कि हलालपुरा का हलाल शब्द अशुद्ध और खराब है, वहीं लाल घाटी पर कई कत्ल हुए थे, इसलिए इनका नाम बदला जाना चाहिए। गुरुवार को नगर निगम भोपाल की परिषद बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई सारे प्रस्ताव आए जिनको मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान कई सारे प्रश्न पार्षदों ने लगाए जिनका उन्हें जवाब दिया गया। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी दो प्रस्ताव नाम बदले की सदन में रखे, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। जब भोपाल के दो जगहों के नाम बदले जाएंगे, हलालपुर बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी रखा जाएगा, वहीं लाल घाटी का नाम श्री नारायण दास जी महाराज रखा जाएगा। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने कई सारे मुद्दों को लेकर हंगामा भी किया। बैठक के बाद भोपाल महापौर मालती राय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस के पार्षद जो 2,90,000 पर नाश्ता खर्चा बता रहे हैं, वह ऐसा नहीं है। कुल कार्यक्रम में 2,90,000 खर्च हुआ है। कांग्रेस का यह आरोप सरासर गलत है। वहीं अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब को लेकर जो आज हंगामा हुआ, उस मामले में मालती राय का कहना है कि आसंदी से जो निर्देश मिले हैं उसका पालन होगा। वहीं जियो के टावर को लेकर भी सवाल आया था। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आसंदी पहले ही कह चुकी है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जी, मैंने नगर निगम में ISBT में पहले सम्मेलन में जो भी खर्चा हुआ था और जिन संस्थाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मेरा उनसे उसका पूरा, जहाँ पे जिन जिन मदों से उन्होंने काम लिए हैं, जिन जिन एजेंसी से उन्होंने काम लिए हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे उसकी पूरी मूल नस्तियाँ चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए। आपने किस पेपर में उसका विज्ञापन दिया है? मुझे सेटिस्फाइड जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है। मुझे अपना टाइम भी नहीं मिला कि मैं उनसे आगे कुछ बहस कर सकूं, और उन्होंने मूल नस्तियों का तो मेरे पास, मैंने उनको अपील में भी क्वेश्चन लगाया है और मैंने सूचना के अधिकार से भी मांगा गया उनसे क्वेश्चन, लेकिन मुझे सेटिस्फाइड आंसर वहाँ से मिला नहीं है। और उन्होंने मुझे सिर्फ वर्क ऑर्डर दिखा दिया है कि इतना हमने यहाँ पे इस चीज़ में इतना खर्चा है। मूल नस्तियाँ दीजिए आप मुझे, सैंक्शन कर कि मतलब किसने सैंक्शन किया है, क्या क्या बताया उन्होंने? बाविस्ता जी ने जवाब दिया, उसमें 2,90,000 का भी जिक्र किया, काय का था, पैसा क्या बताया उन्होंने? खाने पीने का जो है, जो भी व्यवस्थाएँ थी ISBT के सम्मेलन में पहली, उन्होंने उसका मुझे डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दिखा दिया है और 2,00,000 का उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे पटल पे जवाब दीजिए, आप मुझे लिखित में जवाब दीजिए। आप जो मूल नस्ती है मैंने मांगी कि सैंक्शन किसने करा है, किसने वर्क ऑर्डर उस पर साइन किया है, आपने किसके साइन से आगे उस काम को आगे बढ़ाया है, तो मुझे मूल नस्तियाँ तो मिली नहीं है और मुझे अपना जवाब ही नहीं मिला। जो मैंने उनसे जवाब मांगा था, मुझे उन्होंने वो जवाब ही नहीं दिया, तो मैं उनके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एक दिन का था जो परिषद का पहला सम्मेलन था, उसका आहार जो था, स्वल्प आहार जो था, उसकी उन्होंने जानकारी दी है, और बाकी मेरा उन्होंने 2,00,000 बताई है मुझे, 2,00,000 कुछ, 2,80,000 कुछ बताई। उन्होंने मतलब एक कैटेगरी वाइज आपको हिसाब भी दिया था कि गुब्बारों में इतना खर्चा आया, खाने में इतना खर्चा आया, तो गुब्बारों वही मैं बोल रही हूँ आपसे कि उन्होंने मुझे वर्क ऑर्डर पढ़ के सुना दिया है सिर्फ कि यहाँ पे इतना खर्चा है। आप मैंने जो क्वेश्चन मेरा ये था कि आप सैंक्शन किसने करके दिया, कमिश्नर सर के उस पे साइन थे, तो आप मुझे वो सैंक्शन जिसने करा है वो आप मुझे लिखित में दीजिए। आप पटल पर जवाब देते, आपने मुझे घुमा फिरा के जवाब क्यों दिया, एग्जैक्ट जवाब दीजिए। और मुझे पूरा टाइम भी नहीं मिला। प्रशासन के अंडर में आता है, लेकिन जिला प्रशासन के अलावा जो जियो टावर की परमिशन में बड़े तौर पर धांधलियां की, जितने भी टावर लगे हुए हैं जियो वाले अवैधानिक तरीके से लगे हैं, उनको हटना चाहिए। यहाँ पर है ना भोपाल, पूरे मतलब मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के दोस्त हैं जियो वाले, तो जियो वालों के लिए कोई क्या नियम नहीं है? इसलिए हमारे पार्षद सादी ने ये क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए, घेपे कर चुके हैं, और जिसका आंसर होना चाहिए वो आंसर नहीं देता। MIC मेंबर का दूसरा बोलता है जिसको पता है, लेकिन एक भी पार्षद का आंसर आसंदी से सही तरीके से ना तो रिटर्न में दिया गया, ना ही कोई जवाब दे पाया। इससे आप सभी लोग समझ सकते हैं कि नगर निगम के अंदर कितनी धांधलियां चल रही हैं, और इसी वजह से नगर निगम गर्त
हित में है। अगर सही तरीके से अधिकारी कर्मचारी काम करें और पैसे का सही उपयोग करें तो ये नौबत नहीं आती भोपाल शहर की जो हम गड्ढों में रह रहे हैं। अधिकारी भी फोन नहीं उठाते, ये भी करते हैं और मेरे ऊपर भी ना जाने कितनी झूठी FIR ये कमर साकिब ने की है। तो ऐसे अधिकारियों को जिनके पास नगर नियोजन की कोई उपाधि नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं बन सकते, ये नगर निगम एक्ट कहता है। यहाँ पर किस प्रकार से बातचीत हुई है, क्या जवाब आपको मिला है? हमको कोई रिटर्न में जवाब नहीं दिया। हमने जो धरना प्रदर्शन किया था, हम पे FIR हुई थी गुड्डू चौहान के ऊपर जो 19 का नोटिस दिया था, ना उससे संबंधित कोई नस्ती पटल पर आई। इसका मतलब सारी फर्जी कार्रवाई थी, कोई विभागीय आदेश कोई विभागीय जांच इनके यहाँ से नहीं हुई थी, ना कोई लेटर जारी किया गया था और ना ही है ना ऐसा कोई ना ऐसा कोई लेटर यहाँ से जारी हुआ और ना हमको पटल पे दिया गया, जबकि नियम ये कहता है कि 2 दिन पहले हमारा आंसर आ जाना चाहिए। और आप सभी मीडिया वालों ने देखा होगा मैं यहाँ पर धरना दिया, उसके बाद अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। कौन सा पद है इनका? ये वेतन दैनिक वेतन भोगी हैं और इन्होंने ट्रेजरर का पद हासिल किया था किसी व्यक्ति को कमरे में बंद करने के बाद। तो हाई कोर्ट ने इनको आदेश किया था कि जितनी भी इन्होंने वेतन लिया है और जो उस पद के ऊपर रहकर सुविधाएं नगर निगम से आर्थिक अनियमितताएं करके ली थी वो सारा वापस किया जाए। संकल्प पारित हो चुका है, वो संकल्प मैंने सदन में पढ़ के बताया है और ऐसे लोगों को नगर निगम पर्दा डाले रखी है, क्योंकि नगर निगम ने हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी, आज तक कोई वसूली नहीं की कमर साकिब से। मैम एक अंतिम प्रश्न, जिस प्रकार से जियो टावर का एक मामला उठा, जियो की बात है अधिकारी, तो आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रोडों के बारे में बोल दिया लेकिन अभी तक किसी की कान पर जू नहीं रहेंगी। अगर कोई और होता तो सोचता कि अरे हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम पूरे भोपाल शहर के सारे गड्ढे भर दें और सारी जितनी भी सड़कें हैं उनको चकाचक कर दें, जब उनका कहना नहीं मान रहे तो आप सोच सकते हैं कि पार्षदों का क्या कहना मानेंगे और क्या सुनेंगे। और यहाँ पर हमारी मेयर साहब बहुत कमज़ोर हैं, जो है ना वो अधिकारियों के बीच में हम लोगों का डिबेट नहीं कराती और हमारी 1-to-1 चर्चा नहीं कराती। उनको चर्चा करा के वहाँ पर उन लोगों को अधिकृत करना चाहिए कि आपको ये काम करने की जिम्मेदारी है, पार्षद साथियों के साथ जाके आप काम करिए। आपने राशि को पकड़ा है और एक शब्द को पकड़ा है। हमारे MIC सदस्य ने जिस दिन शपथ हुई थी वहाँ से लेकर वो परिषद तक का विवरण आपने बताया, आपने उस चीज़ को नहीं देखा, आपने केवल 2,90,000 पकड़ लिया और स्वल्प आहार पकड़ लिया, जबकि वो शपथ का उन्होंने प्रश्न बताया था इस संबंध में कितना खर्च हुआ, कौन कौन सी एजेंसी आई और क्या क्या हुआ था। उसके बाद उन्होंने पार्षद दल का खर्च भी मांगा था, उसके बाद परिषद का खर्च भी मांगा था, तो सब टोटल मिला के एजेंसियों का खर्च उन्होंने मांगा है और पूरी एजेंसियों का खर्च उसमें भी। दूसरा आप सर को तो समझ में नहीं आया कि कौन सा अधिकारी फोन नहीं उठा रहा, यदि पार्षद जी अगर ये बताते हैं कि फलाना अधिकारी नाम लेके बताएंगे कि इस अधिकारी ने हमारा फोन नहीं उठाया, और यदि उस समय नहीं उठाया उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं उठा पाते, यदि रिप्लाई नहीं दिया है, उनकी बातचीत नहीं हुई है, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। विश्वास आनंद का भी मामला आया था और कोई नाम लिया गया था। देखिए पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष है, कोई कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि हम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें इसलिए भेजा है यहाँ पर कि हम बाढ़ के विकासों की चिंता करें और उस पर बातचीत करें। किसी भी सम्मानीय जनक व्यक्ति को किसी भी तरह से अपन नाम लेकर बोले तो एक ये गरिमा नहीं है। मैम जियो टावर का इतना खर्च और एक ही दिन में 58 पार्षद प्रति पार्षद 5,000 यानी 2,90,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। देखिए वही मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रश्न जिसने लगाया है, प्रश्न के पॉइंटों को आप देखें, उसने क्या क्या प्रश्न ने मांगा है और उसके बाद उन सारे अधिकारों को देते हुए जवाबों को देते हुए लास्ट पॉइंट को आप पकड़ रहे हैं कि पार्षदों ने या भाजपा पार्षदों ने 2,90,000 का स्वल्पाहार कर लिया। भाई उसने मंच भी बना था, हजारों की संख्या में पंडित भी आए थे, उनको भी नाश्ता करवाया गया था, टेंट भी लगा था, माइक भी लगा हुआ था, बहुत सारी व्यवस्थाएँ थी, वो व्यवस्थाओं को किया। फिर परिषद हुई थी पिछली बार, 2 परिषदों का भी खर्च उसमें जोड़ा गया है, तो ये सारी चीजों के डिटेल हमारे MIC से। तो क्या 2,90,000 में इतना सारा हो गया? अरे मंच भी बन गया, माइक भी लग गया, नाश्ता भी हो गया, सारी चीजें उसमें डिटेल है। 2,90,000 में इतना सब हो जाएगा? सब सब डिटेल है, डिटेल है, मत वाई डिटेल है कि इसमें कितना खर्च हुआ वो MIC ने दिया है। 2,90,000 से
के निर्देश जो भी है उसका अक्षरता पालन किया जाएगा, मेरा ऐसा अधिकारियों से आदेश दिया जाएगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।